तो हेलो दोस्तों, कैसे आप? तो दोस्तों, अगर आप कुछ ऑनलाइन ऑर्डर करना चाहते हैं तो दोस्तों उसमें उसके लिए ऑनलाइन ऑर्डर करने के लिए आपको बेस्ट ऐप, और दोस्तों ऑर्डर तो कुछ भी कर सकते हैं लेकिन बेस्ट ऐप आपको फ्लिपकार्ट ही मिलेगा। फ्लिपकार्ट हो गया और आजियो हो गया, लेकिन आजियो पर आपको ऑर्डर मिलेगा लेकिन ब्रांडेड मिलेगा और हाई रेट का मिलेगा। तो दोस्तों आपके लिए फ्लिपकार्ट पर ऑर्डर करेंगे तो दोस्तों वो आपको अच्छा रहेगा। तो दोस्तों वीडियो में बने रहिए, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और दोस्तों बेल आइकन दबाना ना भूलें कि हम जो भी आपके लिए वीडियो बनाते हैं वो आप तक पहुंचे और आप देखकर आप कुछ सीख सकते हैं। तो दोस्तों उसके लिए आप वीडियो में बने रहिए, और फ्लिपकार्ट पर ऑर्डर कैसे करते हैं और कैंसिल भी कैसे करते हैं तो दोस्तों अगर कोई प्रॉब्लम हो जाता है तो हमको ऑर्डर कैंसिल करना पड़ता है। तो दोस्तों उसके लिए वीडियो में बने रहिए और चलते हैं, वीडियो में मिलते हैं। तो दोस्तों ओके बाय। तो दोस्तों आते हैं अपने प्रोफाइल पर। प्रोफाइल में ओपन करेंगे अपना फ्लिपकार्ट। फ्लिपकार्ट ओपन करने के बाद दोस्तों उसके बाद अपने फाइल में आएंगे और उस पर आप सर्च करेंगे। स्क्रॉल थोड़ा करके उस पर सर्च करेंगे, आपका सर्च का आइकन दिख रहा होगा, उस पर सर्च करेंगे। जैसे मैं सर्च करता हूँ ट्राईपोड। ट्राईपोड सर्च करने के बाद दोस्तों हमारे सामने कितने सारे ट्राइपॉड ओपन हो जाएंगे देखना। ट्राइपॉड जी, तो दोस्तों हमारा ट्राइपॉड इतने बहुत सारा आया है, लेकिन दोस्तों मुझे वो वाला मोबाइल स्टिक वाला वो वाला अच्छा लगा। तो दोस्तों मैं उस पर क्लिक करता हूँ। उस पर क्लिक करने के बाद आपको 400 रुपये में 1 रुपये कम दिखेगा। उसके बाद बाय नाउ पर क्लिक करना और स्किप एंड क्लिक कंटिन्यू पर क्लिक करना और फिर कंटिन्यू पर क्लिक करना। तो दोस्तों उस पर आप कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे तो आपका पेमेंट्स मेथड्स आएगा। तो दोस्तों उस पर आपको कैसे पे करना है वो दिखाएगा। तो दोस्तों मैं कैश ऑन डिलीवरी करता हूँ, तो उसके बाद मैं प्लेस ऑर्डर पर क्लिक कर दूँगा। कैश ऑन डिलीवरी चूज़ करके मैं प्लेस ऑर्डर पर कर दूँगा। तो दोस्तों हमारा ऑर्डर कन्फर्म हो चुका है देखना, यह हमारा ऑर्डर कंफर्म हो चुका है। तो दोस्तों उसके बाद फिर अब अगर आप ऑर्डर अपना चेक करना चाहते हैं तो दोस्तों उसके बाद हम अपने पीछे प्रोफाइल में चलेंगे और उसके बाद माय ऑर्डर्स पर क्लिक करेंगे। आपको नीचे देखेगा अकाउंट का ऑप्शंस, तो दोस्तों उस पर आप क्लिक करके आप अपना ऑर्डर देख सकते हैं। तो दोस्तों ऊपर साइड में आपको ऑर्डर्स का लोगो दिखेगा, उस पर आप क्लिक करना। उसके बाद आपका जो भी आप सामान ऑर्डर किए होंगे उसको आपका ऑर्डर डिटेल में दिख देगा। तो दोस्तों मेरा वो ट्राईपोड ऑर्डर किया था, तो दोस्तों उसको हमारे सामने आ चुका है। तो दोस्तों उस पर मैं क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद वो कितने तारीख को लेकर आएगा, वो डिलीवरी 17 तारीख को लेकर आएगा। तो दोस्तों उसको कैंसिल करना है तो मैं एडिट ऑर्डर पर क्लिक करता हूँ। एडिट ऑर्डर पर क्लिक करता हूँ और एडिट ऑर्डर पर क्लिक आई वांट टू कैंसिल माई ऑर्डर। तो दोस्तों उसके बाद आपको मांगेगा कैंसिल ऑर्डर, तो दोस्तों मैं कैंसिल ऑर्डर पर क्लिक करता हूँ और उसमें पूछेगा रीज़न। तो दोस्तों आई वांट टू चेंज माई एड्रेस पर क्लिक करता हूँ। उसके बाद कमेंट्स मांगेगा क्या प्रॉब्लम है, तो दोस्तों लिख देना सॉरी और एड्रेस चेंज कर दिया मैंने इसलिए। तो दोस्तों कुछ भी आप लिख सकते हैं। तो दोस्तों आपका ऑर्डर कैंसिल हो चुका है। उस पर के बाद चेक करना है कि हमारा ऑर्डर कैंसिल हो चुका है कि नहीं, तो चेक स्टेटस पर क्लिक करना, आपका ऑर्डर कैंसिल हो चुका है। तो दोस्तों ऐसे आप ऑर्डर करके कैंसिल भी कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर